झटके से बेखबर है हम भी तो, ये कैसे हम के साए मेरे जीवन पे छाए, चाहा क्या था क्या पाए हम ही तो, राहों पे छोड़ के अपने निशान। हे भगवान, सुहानी ने अपनी क्या हालत बना ली। मेरी कसम का पालन तो कर रही है, लेकिन ये अंदर ही अंदर घुट रही है। मैं भी क्या करती, मैं मेरी बच्ची को तो नहीं खो सकती। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना, मेरी बच्ची की रक्षा करना। सुहानी बेटा, खाना खा ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कब तक बैठी रहेगी बेटा, थोड़ा सा खा ले। नहीं माँ, मुझे सचमुच भूख नहीं है। तुझे पता नहीं सुहानी, तू ऐसा करेगी तो तेरी माँ को कितना दुख होगा। मेरी बात मान, थोड़ा सा तो खाना खा ले। With reference to your last correspondence, आपकी कंपनी का जो यूनिकॉर्न मीडिया ग्रुप से कमिटमेंट था, हमारी कंपनी ने यह महसूस किया है कि वो कमिटमेंट आपने पूरा नहीं किया है। अगर तू फैशन वर्ल्ड की दुनिया में गई तो तुझे मेरी लाश पसंद ना होगा। और मैं ये महसूस कर रहा हूं कि आपके बिखरे हुए बाल मुरझाया हुआ चेहरा ये एक्सप्रेशनलेस चेहरा कोई नई कहानी कह रहा है। वो सुंदरता जो सबको घायल करती है, आज वो खुद घायल है। Excuse me. Any problem? Are you okay? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जरा पढ़िए मैंने क्या लिखवाया है। जी सर, विथ रेफरेंस टू योर लास्ट करस्पॉन्डेंस, आपकी कंपनी यूनिकॉर्न मीडिया ग्रुप से जो कमिटमेंट था, हमारी कंपनी ने ये महसूस किया है कि आपने अपने कमिटमेंट्स पूरे नहीं किए हैं। और मैंने ये भी महसूस किया है कि आपके बिखरे हुए बाल, मुरझाया हुआ चेहरा और पढ़िए पढ़िए आगे क्या लिखा हुआ है। एक्सप्रेशनलेस चेहरा, आई एम सॉरी सर। इट्स परफेक्टली ओके। देखिए मैम, करण धनराजगीर की एक आदत है, वो किसी भी सुंदर चेहरे को मुरझाया हुआ नहीं देख सकता। एक्चुअली मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, तो आप ही मुझे बताइए। इसे वापस ताजा करने के लिए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? आइडिया, देखिए इस वक्त लंच टाइम है, तो हम ऐसे करते हैं कि हम एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। हो सकता है कि बाहर की ताजगी आपकी सुंदरता को फिर से ताजा करते हैं। I'm sorry sir, मेरा मूड नहीं है। देखो, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम बाहर चलते हैं, हो सकता है तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूं। एनीवेज, थैंक्स फॉर योर कंसर्न। Concern? Well, I'll be concerned for you. हाँ? मैंने क्या मांगा तुमसे? कुछ पल का साथ? हाँ? Concern?
मैडम तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम जिस ऑफिस में काम करती हो मैं उस ऑफिस में बॉस हूं, राइट? क्या राइट? तुमने मुझे इनकार किया, करण धनराजगीर को इनकार किया, जिसके एक इशारे पर लड़कियां लाइन में खड़ी हो जाती है, तुमने मुझे इनकार किया। That's surprising, you know? क्या समझती है अपने आप को? तुम हो क्या? I'm extremely sorry, sir. लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं। Then get lost, please. Leave. क्या सब तुम हो क्या? क्या सब तुम हो क्या? तुम जिस ऑफिस में काम कर रहे हो उस ऑफिस में बॉस क्या सब आज के एपिसोड में ऐसा कौन सा सीन है जो भंडारी बड़े प्यार से देख रहा है? काफी बड़ा ड्रामा दिख रहा है मैडम। लगता है कि बॉस ने जमकर डांट पिलाई सोहानी मैडम को। लेकिन तुझे ऐसे क्यों लगता है? मैम, सुहानी मैडम के चेहरे पर रस्सिया का नक्शा देखकर। अच्छा, तो ये बात है? तो इस नक्शे बड़े चेहरे को तो सनम को खास तौर से उसके पास जाके देखना पड़ेगा। यस मैम। सनम, सनम, हेलो सुहानी, भंडारी कह रहा था कि आजकल हमारे नए बॉस कुछ ज्यादा ही मेहरबानी तुम्हारे पे। बाय द वे, डेट पर कब जा रही हो हमारे नए बॉस के साथ? ये मेरा रेसिग्नेशन लेटर है, करण सर को दे देना। मैं ये जॉब छोड़कर जा रही हूँ। ये सब तो हो नहीं था सुहानी, लेकिन ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बाय द वे, लोगों ने ठीक ही कहा, जीत उसी की होती है जो जीतना जानता है। और सनम कभी हार ही नहीं सकते। अब मिस्टर करण धनराज बहुत जल्द सनम उनके दिल में राज करेगी। सनम, सिर्फ सनम। ये खबर बिल्कुल पक्की है मैडम। आर यू श्योर? 100% sure. सुहानी ने यूनिकॉर्न मीडिया ग्रुप की नौकरी छोड़ दी है। इट्स अ कंफर्म न्यूज। ओह, फिर तो तीर सही निशाने पे लगा है। अब तो ना वो मेरे रास्ते में कभी आएगी और ना ही उसका घमंडी सर मेरे सामने उठने की जुर्रत करेगा। क्या हुआ मैम? कुछ नहीं, तुमने ब्यूटी केयर कंपनी के पेपर्स रेडी रखे हैं? यस मैम, पर ये डील शायद पॉसिबल नहीं होगी। पॉसिबल नहीं है? क्यों? क्योंकि इस कंपनी का ऑक्शन होने वाला है और इस ओपन ऑक्शन में जो ज्यादा बोली लगाएगा कंपनी उसी की होगी। तो फिर संजना कुशराल के कंपनी के सामने कोई भी ज्यादा बोली नहीं लगा सकता।
वो कंपनी तो हमारी ही होगी, इसमें कोई शक नहीं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा, हमारी बेटी जिस चीज पे उंगली रखते उस पे तुम्हारा नाम दर्ज हो जाएगा। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि हमारी बेटी को इतनी सस्ती और बेकार की चीजों पे अपना नाम दर्ज कराने की क्या सोच रही है। पापा कभी कभी लंगड़े घोड़े भी रेस जीत जाते हैं, और अगर वो ना जीते तो रेस जिताने में मदद करते हैं। क्विंस इंटरनेशनल कॉस्मेटिक वर्ल्ड में नंबर वन की पोजीशन पे है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी कंपनी हमारे प्रोडक्ट के सामने खड़ी हो। अगर ब्यूटी केयर कंपनी को मैंने क्विंस इंटरनेशनल कंपनी के साथ शामिल कर लिया तो कॉस्मेटिक मार्केट में हमारी मोनोपोली होगी। एक्सीलेंट, आई एम इम्प्रेस्ड। हमारी बेटी अब बिजनेस की बारीकियों को भी समझने लगी है, है? लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, ऐसे रास्ते बड़े फिसलन भरे होते हैं, इन पे चलने के लिए जोश के साथ साथ होश की भी जरूरत होती है। जानती हूँ पापा, लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ इसीलिए मैं कोई गलती करूँगी नहीं, और गलती करूँगी भी तो आप है ना संभालने के लिए। You are right. अब चलें, नहीं तो ऑक्शन के लिए देरी हो जाएगी। Right, चल। Ladies and gentlemen, ये है मिस्टर विक्की मल्होत्रा, ब्यूटी केयर इंडिया लिमिटेड कंपनी के मालिक। ब्यूटी केयर इंडिया लिमिटेड कंपनी की कुल कीमत 90 करोड़ 80 लाख रुपए आकी जाती है, जिसमें ट्रॉम्बे की एक फैक्ट्री और बांद्रा स्थित एक ऑफिस भी शामिल है। तो इस ऑक्शन की बोली की शुरुआत 90 करोड़ 80 लाख रुपए से की जाती है। इसमें जिसकी बोली अधिक होगी ब्यूटी केयर इंडिया कंपनी पे उसी का अधिकार होगा। तो मेहरबान, बोली की शुरुआत की जाती है। 91 करोड़ 91 करोड़ 1 लाख 91 करोड़ 5 लाख 91 करोड़ 10 लाख 91 करोड़ 11 लाख 91 करोड़ 20 लाख 91 करोड़ 25 लाख। बोलिए, आगे बोलिए। 91 करोड़ 25 लाख 91 करोड़ 25 लाख 91 करोड़ 50 लाख। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 92 करोड़ 10 लाख 92 करोड़ 20 लाख करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़। सर, कोई है आगे बोलने वाला? 100 करोड़ 1 100 करोड़ 2 100 करोड़ 200 करोड़ करोड़ 300 करोड़ 300 करोड़।
आगे मुड़ी बढ़ाइए साहब, आगे मुड़ी बढ़ाइए। 300 करोड़, 300 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 400 करोड़, 400 करोड़, आगे मुड़ी बढ़ाइए साहब, 400 करोड़। ब्यूटी केयर इंडिया लिमिटेड कंपनी संजना गुजर के नाम होने जा रहा है। 400 करोड़, 400 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 500 करोड़, 500 करोड़। बस करो संजय, बस करो। कुछ नौसिखिए लोग बिजनेस को खेल समझते हैं, और ये खेल वो लोग होश गवा के खेलते हैं। लेकिन जब सब कुछ खो के उनको होश आता है, तो उनके पास खोने के लिए ना होश होता है ना जोश, और फिर दुनिया उनकी बोली लगाती है। ऐसे ही कोई अपनी बोली आगे बढ़ाए। ब्यूटी केयर इंडिया लिमिटेड आपके हाथों से जाने वाला है। 500 करोड़, 5 करोड़, 2, होश, तजुर्बा। ये सारी बातें मिस्टर गुजराल कायरों की हैं, जिनकी फितरत में जीतना है, जीत उनके हिस्से में आती ही है, और ये फितरत होश या तजुर्बे से पैदा नहीं होती, बल्कि जोश से होती है। अब जिसके पास जोश ही ना हो, उसे जीत कैसे हासिल हो सकती? जीत तो देवयानी चौहान के हिस्से आएगी। 500 करोड़, 1, 500 करोड़, 2, 600 करोड़, 600 करोड़, 1, 600 करोड़, 2, 600 करोड़, 3, 600 करोड़, 3, और ब्यूटी केयर इंडिया लिमिटेड पर संजना गुजर का नाम दर्ज किया जाता है। Like and subscribe our DigiTube.